नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे MIA 3 के अपडेट के बारे में। जुलाई मंथ का अपडेट बहुत टाइम से पेंडिंग था और वो आज 22 जुलाई को अपडेट मिल भी गया MI की तरफ से, और हमने अपडेट कर भी लिया। 254 MB का अपडेट मिला था। अपडेट बड़ी आशा थी, मतलब कुछ नया निकल के आएगा अपडेट में। अपडेट किया, उसके बाद फ़ोन को हम यूज़ कर रहे हैं और क्या निकला अपडेट में, जानेंगे इस वीडियो में पूरा। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया कि आपको हमने अपडेट तो कर लिया अपने MIA 3 को, लेकिन अपडेट करने के बाद हम आपको बताएं इस वीडियो में कि हमें क्या मिला इस अपडेट करने के बाद। इसको अपडेट करने के बाद मिला, सुबह से शाम हो चुकी है, हम फ़ोन को यूज़ कर रहे हैं। दो बार करीब फ़ोन रीस्टार्ट हो चुका है। एक बार कुछ वीडियो प्ले किया था उस समय रिस्टार्ट हुआ, एक बार कॉल पे बात कर रहे थे उस समय रिस्टार्ट हो गया। तो रीस्टार्टिंग का इशू इसमें काफ़ी टाइम से आ रहा है, जब से 9 से 10 में आए हैं हम, जब से काफ़ी रीस्टार्ट का इशू आ रहा है। और हमें लगता था हर अपडेट के बाद हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन MIA 3 की तरफ से ये कंटिन्यू बनी रही है अभी तक, और अब पता नहीं ये कभी सॉल्व होगी भी या नहीं होगी। तो डिवाइस के साथ बहुत बड़ा इशू है, बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप फ़ोन को यूज़ कर रहे हो, एकदम से फ़ोन रीस्टार्ट हो जाए तो मन करता है फ़ोन को फेंक दिया जाए, बट पैसे खर्च करें हैं तो फ़ोन को कैसे फेंक देंगे। क्या ये इशू आपके साथ भी आ रहा है रीस्टार्ट का, ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथ में आप क्या क्या इशू फेस कर रहे हैं वो तो आप बताएं बताएं, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हमारे साथ साथ आप लोगों को भी क्या इशू फेस हो रहे हैं। वैसे बात करें तो हम इस डिवाइस को, जो MIA 3 डिवाइस को, करीबन 6-8 महीने से यूज़ कर रहे हैं और ये हमारी प्राइमरी डिवाइस है, मतलब प्राइमरी फ़ोन है हमारा, और इसको ही यूज़ करते हैं हम, फॉर्मेट करते हैं जो भी करते हैं, लेकिन इसी फ़ोन को यूज़ करते हैं डेटा वगैरह लेने के बाद। तो काफ़ी सारे इशू हैं अभी इसमें कंटिन्यू, और कंपनी इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है शायद लगता है। और अभी हमें लगता है कि इसको हमें, इसका जो स्टॉक एंड्रॉयड है, यहाँ से हटना ही पड़ेगा और हमें कोई कस्टम रोम फिर से डालना पड़ेगा फ़ोन के अंदर, क्योंकि हमने पीछे कई बार कस्टम रोम बहुत सारी यूज़ की, उनमें फ़ोन रिस्टार्ट तो नहीं होता है और अलग अलग इशू आते हैं अलग अलग रोम में, क्योंकि जो कस्टम रोम होती है वो थोड़ा बहुत कहीं प्रॉब्लम रहती है कुछ ना कहीं, नहीं लेकिन रिस्टार्ट का इशू तो नहीं होता है। तो हम चाहते हैं फिर से हम अपने कस्टम रोम से हटके कहीं रोम पर जाएँ, तो आप हमें कमेंट करके बताएं कौन सी रोम हमें यूज़ करना चाहिए, कौन सी रोम इस समय बेस्ट चल रही है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। MIA 3 का जो अपडेट आया उससे हम बिल्कुल खुश नहीं हैं, और अगर आपने भी किया है इंस्टॉल अपडेट तो बताएं क्या क्या इशू आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।